हम लोग बटर पनीर मसाला बना रहे हैं, अब थोड़ा नमक डाल रहे हैं कि टमाटर थोड़ा गल जाए अपना टमाटर। अब नेक्स्ट अदरक डाल रहे हैं। ओके, मुझे खाना बनाने का शौक बचपन से था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी मम्मी जॉब करती थी, ये हमने यहाँ पे 250-250 ग्राम के 3 पनीर ले लिए। ओके, ये पनीर अमूल का है। ये हमारा पनीर फ्राई हो गया है, बटर पनीर मसाला का ग्रेवी रेडी हो गया। ग्रेवी रेडी हो गया। एक तेजपत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, ओके, बड़ा वाला इलायची, 2-3 लौंग, 10-12 कलियां काली मिर्च के, हम ये गरम मसाला यूज कर रहे हैं। एवरेस्ट से लास्ट में आती है धनिया। ये पूरा रेडी है पनीर का, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और आटा और मैदा मिक्स करके, आटा है, मैदा है, कलौंजी है और थोड़ा ऑयल है और नमक है। मुझे तो जनरली यही आटे वाली पूरी पसंद है। आटे वाली खाना काफी स्वादिष्ट बना है, एकदम गर्मा गर्म। कह सकते हैं कि अब क्या तुम्हें जादू है। आज हम लोग बटर पनीर मसाला बना रहे हैं, उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े मीडियम साइज की टमाटर, थोड़े काजू, थोड़े मगज के दाने, थोड़े खसखस, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी जीरा और 3-4 हरी मिर्च। ओके, अब मैंने कढ़ाई पे गरम करने के लिए थोड़ा बटर और रिफाइन ऑयल डाल दिया है। अब सबसे पहले बटर में टमाटर डालेंगे। टमाटर डालेंगे। ओके, गैस फ्लेम हमारा लो है, अब थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे, थोड़ा हमारा टमाटर पक जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा नमक डाल रहे हैं कि टमाटर थोड़ा गल जाए अपना टमाटर। अब नेक्स्ट अदरक डाल रहे हैं। ओके, अब धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डालेंगे। ओके, काजू, काजू है हाँ, ये बस सबको अच्छे से मिला देते हैं। ओके, अब ये मगज के दाने, मगज के दाने बोलते हैं इसको। हाँ, ओके, खरबूज खाते हैं ना अपने, हाँ, उसके अंदर जो बीज होते हैं, अच्छा खरबूज के बीज ही उनके उनको सुखा के, ओके, अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एक एक चीज डालना है और मिलाते रहना है, अच्छे से पक भी जाएंगे और फ्राई भी होंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं, अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च का लेना। हमने 3 डाले हैं, ये जीरा, ये जीरा लास्ट में, मतलब साबुत जीरा डालते हैं, जीरा पाउडर नहीं डालते, साबुत जीरा टेस्ट के लिए डालते हैं अपने, तड़के में नहीं डालते। ओके, ये ऑप्शनल है। ओके, ये हमारा टमाटर ऑलमोस्ट पक चुका है, ये साथ में, अब ये खस खस, इसका मैंने नाम सुना है कोलकाता में, इसको शायद बंगाल में पोस्तो बोलते हैं, हाँ। यहाँ पे खसखस बोला जाता है। थोड़ा गुड़ा मसाला मिलेगा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कलर वाली मिर्च, ये तीखी नहीं है, लाल मिर्च, लाल मिर्च, अच्छा ये ज़्यादा तीखी नहीं रहती, नहीं ये तीखी बिल्कुल नहीं रहती। ओके, थोड़ा धनिया पाउडर, ओके, कोरिएंडर पाउडर, बस अब इसको मिक्स हो जाने पर ठंडा करने के लिए 5 मिनट रख देंगे। okay. उसके बाद हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। जब तक बताइए आपको खाने का शौक कहाँ से लगा है, खाना बनाने का शौक? मुझे खाना बनाने का शौक बचपन से था, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी मम्मी जॉब करती थी, okay. तो एक दिन मम्मी को ऑफिस से आने में बहुत लेट हो रहा था। मम्मी बोली कि आज तुम कुछ बना के रखना, रोज तुम मेरे को बनाते देखती हो, आज कुछ बना के रखना। तो हम पूछे क्या बनाए, तो मम्मी बोली कि आलू का सूखा भुजिया बना देना और रोटी या पराठा। तो बोले कि मेरे को तो रोटी बेलना आता नहीं है और भुजिया कच्चा है पक्का है मुझे समझ में भी नहीं आता है। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था
तब मेरी एज थी 7 7 ईयर्स 7 ईयर्स 7 साल की उम्र में 7 साल की उम्र आपका डेब्यू था। हाँ, फर्स्ट टाइम हम कुकिंग में किए ट्राई। उस दिन तो मेरा पूरा जल गया। तो आप क्या बनाने की कोशिश किए थे उस दिन? उस दिन हम आलू फ्राई किए थे और प्लेन फलका बनाए थे, प्लेन फलका और आलू के भाजी बस। तो उसमें जल गया तो हम सोचे कि फिर हम बना नहीं पाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब एक बार मम्मी के साथ बैठे हम, तो मम्मी कोई ऐसा रेसिपी बताई जो शॉर्टकट में हो जाता है, वो था उपमा। उपमा ओके। मम्मी ने तो पूरा प्रोसेस बताया था, पर मैंने क्या किया उसको पूरा शॉर्टकट करने का कोशिश। पहले ऑयल डाल दिया, उसके बाद डायरेक्ट सूजी डाल के पानी डाल के उबाल दिया। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग पीसने के लिए ठंडा करेंगे पहले। अच्छा, इसको आप ठंडा करोगे? हाँ, इसको एक बार के लिए साइड कर देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हमारा ये अमूल का पनीर फ्राई करते हैं। अच्छा, चलते हैं इसको फ्राई करना है। ओके, जब तक हमारा ये बैटर ठंडा हो। आज मैं आपको एक नया तरीका दिखाऊंगी शॉर्टकट में पनीर फ्राई करने का। अच्छा, मतलब तवा पे? तवा पे। ओके। इसमें ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करना चाहे वो कम यूज होता है। जिसको कम ऑयल खाना है, कम बटर खाना है, उसके लिए है। ओके। ये हमने यहाँ पे 250-250 ग्राम के 3 पनीर ले लिए। ओके। ये पनीर अमूल का है। अमूल का है। ओके ओके। मतलब आप अमूल पनीर आप पसंद करते हैं ज्यादा? हाँ, पनीर तो सबके घर में अच्छा यूज आता है। हाँ, जनरली सबके घर में अमूल का होता है। अब पहले ये आधा चम्मच मैंने बटर लिया। ओके। इसको तवा पे डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस अब हमें इतना ही यूज करना है और आधा बटर उठा लेना है। ओके। अब ये पनीर को हम नॉनस्टिक तवा पे रख देते हैं। अब इसको धीरे धीरे घुमा के पलट के पकाना है 5 मिनट तक। ओके। हमारा पनीर फ्राई हो गया है। ओके। अब हम लोग इसको अपने सेफ पे गाड़ सकते हैं, क्यूब बनाइए या बर्फी पीस में बनाइए, जो आपकी इच्छा हो। ये हमारा पनीर कितना सॉफ्ट है, बताइए। स्पॉन्जी एकदम। एकदम स्पॉन्जी हो गया। ये हमारा बैटर ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सी की जार पे डाल रहे हैं। हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, दूध इसमें डालते हैं? पानी यूज नहीं करेंगे। हाँ, मैं इसमें दूध डालती हूँ। अच्छा, दूध के साथ इसको थोड़ा सा पीसते हैं? हाँ, पानी नहीं डालती। और इसमें लहसुन प्याज इसलिए भी नहीं डाला है क्योंकि आप तो लेते नहीं लहसुन प्याज, इसीलिए मैंने इसे पूरा वेज बना दिया। ये हमारा बटर पनीर मसाला का ग्रेवी रेडी हो गया। ग्रेवी रेडी हो गया। ओके, काफी क्रीमी लग रहा है। हाँ। ओके। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। ओके। अब मैं थोड़ी बटर लूंगी, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी की यूज करूंगी क्योंकि बनने के बाद भी अपने को 1 चम्मच डालना है। क्योंकि बटर पनीर है तो बटर का थोड़ा अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले का यूज कर रही हूँ। ओके। जैसे एक तेज पत्ता आधा गिर गया,
एक तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, ओके, बड़ा वाला इलायची, दो तीन लौंग, 10-12 कलियां काली मिर्च के, एक सूखी लाल मिर्च, ये थोड़ी तीखी वाली है तो अपने एक ही डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने यूज़ किया है। ओके, अब तड़का के लिए हम 1 चम्मच साबुत जीरा दे रहे हैं। ओके, अब ये सारे खड़े मसाले हमें डाल देना है फ्लेम को हाई फ्लेम में करके। अच्छे से हमने ये डाल दिया, अब इसको मिक्स करते हैं। थोड़ी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मोबाइल देख रहा है उसको बोलो 1/3 चम्मच धनिया पाउडर उसको 1/3 मिनट मोबाइल पे ही लग ऊपर जाने जरूरत नहीं। स्वाद के अनुसार नमक, ये हमने 1 टेबल स्पून डाला, ये हाफ क्योंकि हमने ग्रेवी पे भी 1 चम्मच डाला था। इसको मिक्स करते हैं। डाला कसूरी मेथी। ओके, कसूरी मेथी से काफी स्मेल अच्छा अच्छी आ जाती है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है, अरोमा आ जाता है। अब हमारा फ्लेम बिल्कुल भी लो है, अब अच्छे से पकने देंगे 5 मिनट। ओके, कितना टाइम लगता है? लगभग 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट तक उसको पकने देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा हल्का गरम, बिल्कुल भी हल्का गरम वाटर फुल मिलाएंगे, जितना अपने को ग्रेवी खाना है। ओके, उसके हिसाब। और उसके बाद ही इसमें पनीर डालेंगे। पनीर बिल्कुल भी जब गैस ऑफ कर देंगे उसके बाद, उसके पास 2 मिनट पहले पनीर डाल के और धनिया डाल के फिर गरम मसाला डाल के बंद कर देंगे। हम ये गरम मसाला यूज करेंगे एवरेस्ट का। धीरे धीरे हम इसमें पानी मिलाएंगे। ओके, पानी मिलाएंगे और चलाते रहेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हम घर पे, हमारे घर पे तो सबके घर में मलाई होती है, अब इस पे हम थोड़ा मलाई को ऐड करेंगे। तो ये ग्रेवी रेडी हो गया अपने। हाँ, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे ना। हाँ, धीरे धीरे करके हम लोग पनीर। उसका टेस्ट और जबरदस्त बन जाता। अच्छा, अगर किसी घर में अगर हनी ना हो तो शुगर यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं। अच्छा, चीनी या गुड़ कुछ भी, मतलब मिठास के लिए जो भी हो। हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं गार्निशिंग कर रहा हूं पनीर की और धनिया। अब सबसे लास्ट में आती है धनिया पत्ता। वाओ, ये आटा का पूरी बना रहे हैं। आटा और मैदा मिक्स करके। ओके, आटा है, मैदा है, कलौंजी है, थोड़ा ऑयल है और नमक है। मुझे तो जनरली यही आटे वाली पूड़ी पसंद है। आटे वाली। ये पूड़ी, ये बटर पनीर की सब्जी, साथ में धनिया और पुदीना की चटनी, ये सैलेड जिसमें टमाटर है, खीरा
खीरा है और मूली है और धनिया है। चलिए इसको टेस्ट किया जाए। खाना काफी स्वादिष्ट बना है, एकदम गर्मा गर्म। कह सकते हैं कि अब क्या तुम्हें जादू है। ये पूरा रेडी है पनीर का, ये हो जाएगा तो वन ऑफ द बेस्ट जजेस को पहले चखने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट जजेस कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको कार्य करता है जजेस की बात जजेस में रहने दीजिए। अच्छा ए गेट बंद करो, यहाँ से एक मिनट चुपचाप यही रहिए, बच्चे को कौन पकड़ेगा। अच्छा खाइए ना। अच्छा अच्छा बच्चा कने पकड़िया आ रहा ना पूरा। हाँ जब तक पनीर को उसमें टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे तब तक ही छोड़ेगा नहीं। अच्छा हो गया है गोल्डन वर्ड्स आर नाउ रिपीटेड। तो ये अजनबी इंसान कौन है? ये मेरे हस्बैंड जी हैं। ये आपके हस्बैंड मिस्टर चुंडीलाल। अब जैसे जब अपने सीटों पे जा रहे हैं क्योंकि आप अपना अपना आइटम पेश करें, रिजल्ट डोल पढ़ाई लेकर घर जाओ। चलो हम पागल।